पेपर कटिंग मशीन डीलर्स इन दिल्ली। हमारे पास पेपर कटर मिल जाता है, मैनुअल जो रहता है A4 में, A3 में, हैवी ड्यूटी भी मिलेगा आपको, नॉर्मल भी मिलेगा। अभी इस वीडियो में आप दो टाइप के कटर देख रहे हैं, एक पर्सनल यूज़ के लिए और एक आपका प्रोफेशनल यूज़ के लिए। दोनों AKS ऑटोमेशन का प्रोडक्ट है। ये AKS 400 मॉडल है। ये हमारा एड्रेस है आपको, और हमारे पास जो जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसकी डिटेल मिल जाती है। नोट काउंटिंग मशीन, फेक नोट डिटेक्टर, पेपर श्रेडर, पेपर कटर, लेमिनेशन मशीन, बाइंडिंग मशीन और उनके कंज्यूमेबल्स। एड्रेस आप नोट कर लीजिए और वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ये AKS 400 हैवी ड्यूटी मैनुअल कटर है। ये आपका एडजस्ट करने के लिए रहता है। इसमें इसको लूज़ करने के बाद आप इसको पेपर, जितना पेपर आपका रहेगा उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। सपोज़ B5 का पेपर आपको कट करना है तो ये B5 पे लाके आप इसको फिक्स कर लेंगे। ये फिक्स करने के बाद ये हैंडल है इसका, ये जब पैकिंग में आता है ये हैंडल अलग रहता है आपका पैकिंग बॉक्स में। इसको आपने यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करना है और ये ऊपर ले जाएंगे आप इस तरीके से, ऊपर जाके लास्ट तक ले जाना है आपने और ये फिक्स हो जाएगा। अब ये नीचे हैंडल नहीं आएगा, ये लॉक सिस्टम है इसके अंदर। जब तक आप लॉक प्रेस करेंगे नहीं जब तक ये नीचे नहीं आएगा, तो अभी वो मैं वीडियो में आपको दिखा दूँगा। अब आ जाते हैं हम, ये देखें, ये आपका पेपर सपोर्ट के लिए है। इसमें जैसे ये पैकिंग के अंदर इस तरीके से आता है, जब आप कटिंग करेंगे इसको नीचे रखेंगे। ये ब्लेड सेफ्टी के लिए है, तो अभी मैं ये हटा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी ब्लेड है, ये 18 इंच के अंदर अंदर जितना पेपर रहेगा कटिंग करेगा। कस्टमर्स पूछते हैं कितनी शीट्स कट करेगी, ये देखिए 1.25 इंच का इसकी गैप है। इसके अंदर जितनी शीट्स आ जाएंगी इजीली कट हो जाएंगी, वो आपकी 300 भी हो सकती हैं, 400 भी हो सकती हैं, पेपर की मोटाई के हिसाब से। ब्लेड चेंज करने के लिए देखिए ये आपको दिए गए हैं, इनको ओपन करेंगे आप और ब्लेड आप चेंज कर सकते हैं, वो भी अभी वीडियो में मैं दिखा दूँगा। ये टूल बॉक्स है, इसी की हेल्प से आप ब्लेड चेंज करते हैं। ये टूल बॉक्स ब्लेड को कैरी करने के यूज़ भी आ जाता है। जैसे आपने ये ब्लेड है, ब्लेड को सपोर्ट कैसे पकड़ेंगे, इसकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी हेल्प से इस तरीके से इसकी हेल्प से आप ब्लेड होल्ड कर सकते हैं और फिर ये ओपन होता है। इसके अंदर आपको एलन की मिल जाता है, इन केस आपसे ये खो जाए तो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, किसी भी हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगा। और ये टूल बॉक्स मैं क्लोज कर देता हूँ, तो इसमें टूल बॉक्स हो गया। और एक और पॉइंट है, ये जो आपका पैकिंग में आता है ये इस तरीके से आएगा। इसको हम जब भी कटिंग करेंगे तो हम जो ये एलन की इसमें दिया गया है इसकी हेल्प से इसको हम ये एलन की हेल्प से आप ओपन करेंगे। ये ओपन होने के बाद आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, पैकिंग के अंदर ये बॉक्स के अंदर आ जाए, इसलिए ये इस पोजीशन में रहता है। जब आपने यूज़ करना तो इसको ओपन करके इस तरीके से लगाना है आपने। ये स्क्रू है, इसको मैं अभी हाथ से ही ये फिक्स कर रहा हूँ। अब इसकी एलंकी की हेल्प से इसको टाइट कर सकते हैं। ये क्लोज़ हो गया है। अब जब आप इसकी हेल्प से देखिए, ये प्रेस कर रहा हूँ मैं, देखिए नीचे आ रहा है, तो जितनी शीट रहेगी उस हिसाब से दाब लगेगा आपका। तो अभी मेरे पास ये तो हमारा हैवी ड्यूटी है, इसके साथ ये स्मॉल वाला भी है, ये भी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर ब्लेड सिस्टम नहीं होता, इसमें आपका जो हैंडल है इसी में शार्पनेस होती है, उसकी हेल्प से कट होता है। ये आपका तकरीबन 5 शीट 6 शीट एक साथ काटने के लिए है, सिंगल 1x1 काटने के लिए मान लीजिए आप।
तो अभी जैसे ये पूरी बुक टाइप का आपको बनाना है या कॉपी बनाना है, उसको काटने के लिए इसमें नहीं कटेगा, इसमें वन बाय वन सिंगल शीट्स के लिए रहता है। तो अभी मैं इस पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ मैंने ये शीट्स लगा दी है, शीट लगाई, ये बुक लगाई है या कॉपी लगाई, इसको फिक्स कर दिया यहाँ मैंने। अभी इस साइड आएंगे आप, ये देखेंगे अभी गैप है, गैप फिक्स करने के लिए आप इसकी हेल्प से इसको देखिए जिस डायरेक्शन में करेंगे, इस डायरेक्शन में करेंगे, देखिए नीचे आ रहा है, ये दाब लग जाएगा तो आपका पेपर मूव नहीं होगा। ये दाब लग चुका है देखिए, अब ये पेपर हिले डुलेगा नहीं। तो अब इसको हैंडल की हेल्प से काट के दिखाएंगे, तो मैं वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको एक एंगल पे रख के कट करके दिखाता हूँ। मैंने एंगल पे रख दिया आपको, ये देखिए शीट जो फिक्स है, आपने कुछ नहीं करना है, ये जो लॉक है इसको प्रेस करके देन आप हैंडल को नीचे लाएंगे, ये नीचे लाके आपने मैन्युअली प्रेस करना है, ये देखिए बस इतना टाइम लगेगा आपको। और फिर इसको वापस ले जाएंगे हैंडल को लास्ट तक, लास्ट में ले जाएंगे तो लॉक हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा। फिर आप इसकी हेल्प से इसको लूज़ करेंगे, मैं शीट हटा देता हूँ जो कट गई है, ये जो कट गई है शीट ये आपकी अलग कर देता हूँ। और ये देखिए शार्पनेस, अभी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने इसको लूज़ कर लिया है, लूज़ करके मैंने साइड कर दिया है, और ये मैं इसको लूज़ करके ये देखिए बुक जो है मैं आगे से निकाल देता हूँ, ये देखिए शार्पनेस देख लीजिए। तो इस टाइप की तकरीबन ये 2 बुक कॉपी बना सकती है इतनी शीट्स की। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है कटिंग की, इसके अंदर मैक्सिमम A3 साइज़ तक कट कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ये जो बुक बनी, बुक कॉपी बनाएंगे आप, देखिए तकरीबन देखिए ये सिंगल लगी है, इसी टाइप की आपकी 2 आ जाएगी इसके अंदर, ये देखिए मैं उसको ऊपर करता हूँ, ये देखिए आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कितना इस टाइप की बुक इसके अंदर आ जाएगी। ये एक आई हुई है, एक और आ जाएगी इतने ही पेजेस की। ये मेरे पास एक रजिस्टर भी, देखिए ये भी आ गया। तो ऐसे रजिस्टर कॉपी बनाने के लिए ये मेनली यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं ये छोटे वाले कटर पे, इसके अंदर आपको ये देखिए दाब के लिए मिला कि पेपर ना हिले, और ये इसका हैंडल है, इसमें भी हम देख लेते हैं। मैं 2 मिनट के लिए आपको 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये कटिंग करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पूरी कॉपी कट नहीं होगी, इसमें आपका सिंगल शीट, 2 शीट, 5 शीट इस टाइप से कटिंग होती है। अभी मेरे पास जैसे सपोज़ ये है, इसको मैंने यहाँ रखा, ये जो चुंबक वाला है मैग्नेट वाला, इसके की हेल्प से इसको हम प्रेस कर देंगे, इस तरीके से कटिंग करेगा। सैंपल के लिए एक और काट के दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रखा मैंने दाब के लिए, और यहाँ से जैसे जितना काटना है उस हिसाब से, तो इस तरीके से ये कट जाएगा। ये लाइट वेट है, स्टूडेंट्स यूज़ के लिए या सिंगल फोटोग्राफर या इस टाइप का यूज़ के लिए आता है, ये सिंगल शीट, 2 शीट, 5 शीट तक कट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 शीट होता है, बट 2 से 5 शीट इजीली होता है। और जो ये आपने देखा है ये हैवी ड्यूटी है, इसको रिम कटर भी कहते हैं, इसमें आपका A3 साइज़ तक कट होता है। वीडियो को
पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको एक बार क्लोज इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए मैक्सिमम इसमें A3 साइज़ है, ये इससे छोटा साइज़ जितना भी होगा B4, A4, B5, A5, A6, तो और ये जो भी है इसके हिसाब से आप स्केल की हेल्प से इसको सेट कर सकते हैं। काफ़ी इजी टू यूज़ है दोनों ही मशीनें, दोनों का अपना अपना यूज़ है। तो लास्ट में आप हमें हमारा एड्रेस नोट कर लीजिए, AKS ऑटोमेशन 71 & 72 उत्तम नगर सेवक पार्क ग्राम सभा द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 776 न्यू दिल्ली। ईमेल आईडी एंड वेबसाइट भी हमारी, वेबसाइट आप नोट कर लीजिए AKSautomation.com। हमारे पास कैश काउंटिंग मशीन, पेपर श्रेडर, लेमिनेशन मशीन्स, ये सभी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। पेपर कटर के लिए आप पेपर कटर टैब में जा सकते हैं, डायरेक्टली कॉल भी की कर सकते हैं।